हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 1:15 हो रहा है। अभी मैं हनी को ट्यूशन से लेके आ रही हूँ और धूप देखिए कितनी तगड़ी धूप है ना। तो बस फिर आ चुके हैं घर पर, और दाल और चावल जो है, चावल तो मैं बना के गई थी, दाल मैं बॉईल करके गई थी, तो वही मुझे अभी फ्राई करनी है। बस आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया है मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। बाहर लगता है कि थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बट अंदर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। अभी स्कूल खुलने में 15 दिन है और मेरी बेटी का बुरा हाल है। स्कूल नहीं जाना? तो पढ़ाई कैसे करोगे? घर में? घर में कौन पढ़ाएगा? तो मैं स्कूल के जैसे कोई ना पढ़ाती हूँ, जैसे स्कूल में मैडम पढ़ाती है। कोई बात नहीं। अभी 15 दिन है स्कूल खुलने में, तो ये हाल है। बाद में क्या होगा? क्या होगा? अच्छा अभी तो चुप हो जाओ। अभी एडमिशन कराया है इतनी मुश्किल से स्कूल। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, रो मत, गर्मी लग रही है मुझे वैसे ही। देखेंगे, पापा से बात कर लूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भी फ्राई कर ली है और साथ में काट रही हूँ खीरा। तो बच्चों को मैं बोलती हूँ कि खीरा भी खाया करो बेटा, क्योंकि गर्मी है ना, तो जो है शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। बट ये खाते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं कैसे हैं मेरे। तो खाना मैंने इनको दिया है और खीरा जैसे का जैसा मैंने इनको दिया था वैसा वापस आया, और उसके बाद फिर उसे मैंने खा लिया। और क्या कर सकते हैं, इनको मैं दे सकती हूँ, ज़बरदस्ती मुंह में नहीं डाल सकती हूँ, बस यही सीन है। तो बस यही है, खाना भी मैंने इनको दे दिया है और अब मैं खा लूँगी इनके बाद। और यहाँ पर देखिए राशन आ चुका है, तो अभी मैं सारा ना काउंट करने के लिए निकाल रही हूँ कि जो जो हमारी लिस्ट में था वो सामान है या नहीं है। और वही है, एक अलग अलग कैटेगरी होती है ना हर सामान की, तो जो किचन का सामान है वो किचन में, जो अलग रखने वाले सामान हैं वो सब मैं अभी इनको कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो फॉर्च्यून मैंने अब की बार ना केन नहीं मंगाई है, ये मैंने मंगाया है। और ये देखिए जो सरसों का तेल है ये भी ख़त्म हो रहा था, तो इस तरीके से ना मैं लास्ट में इनको उल्टा करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, काफ़ी इसमें एक बार की सब्जी का तेल बच जाता है। तो एक हाउस वाइफ है ना, हर तरीके से सोचती है, तो आपको लग रहा होगा क्या है ये, एक एक बूंद तेल की बचा रही है। लेकिन ऐसे ही है। तो यहाँ पर आटा भी मेरा बहुत कम था, वो मैंने छोटा एक बर्तन में निकाल लिया है, और जो ड्रम है या टंकी बोल सकते हैं वो खाली हो गई थी, तो बर्तन धोने के बाद इसे भी मैंने वॉश कर लिया है और इसे रख दूँगी मैं बालकनी में, वहाँ पर धूप आ रही है काफ़ी अच्छी, तो जब शाम में ये सूख जाएगा तो मैं इसमें आटा भी पलट दूँगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ तेल का, आप मुझे बताना कि आप लोग ऐसे ऐसे उल्टा करके रखते हो या नहीं रखते हो। भाई मैं तो रखती हूँ, तो कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि क्या है ये, एक एक बूंद तेल बचा रही है ना। तो बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। और यहाँ का मेरा सारा काम हो गया है, तो चल दिए हैं बेडरूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये ना रोड साइड का रूम है हमारा, तो यहाँ पे वैसे ही बहुत गर्मी होती है। बस आ गई हूँ बेडरूम में, और अभी है बच्चों को पढ़ाने का टाइम, तो एसी वेसी चला के अच्छा सा कूल कर लेते हैं, चिल कर लेते हैं रूम को। और हनी देखिए, इसको मैं बोल रही हूँ पढ़ ले, और ये पता नहीं क्या लेटे लेटे क्या हरकतें कर रहा है, मतलब पढ़ने को राजी नहीं है भाई ये देखो। और यहाँ पे मीहू को पढ़ने का बहुत शौक है।
तो हो गया शाम का टाइम और बच्चे बोल रहे थे मम्मा कुछ बना लो कुछ बना लो। मैंने कहा चलो फिर चाउमीन बना लेते हैं। और ये देखिए जो मैंने उल्टे करके रखे थे ना, ये देखिए मतलब एक बार की सब्जी के निकल ही जाता है। मैंने कहा था ना, ये देखिए ये फॉर्च्यून भी इतना निकल गया और ये सरसों का तेल भी इतना निकल गया। तो यहाँ पर जो नूडल्स हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, तो इनको मैं अब पानी अलग कर दूँगी इस तरीके से। और इसमें ना थोड़ा सा बोलते हैं ठंडा पानी मिला देना चाहिए, जिससे कि नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। तो बस ये इस तरीके से किया है। और चॉपिंग बोर्ड का यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा आ चुका है, तो देखिए ऐसे लग रहा है ना मैं ट्रेंड हो चुकी हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ना अब ऐसे काट लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ऐसे काटना। और बस फिर इस तरीके से ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो छांट छांट के ना निकाल देते हैं फेंकने के लिए। तो बस थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च डाला है इसमें मैंने, और उसे तेल में फ्राई करके यहाँ पर जो मसाले डालते हैं वो डाल दिया है। और बाद में सोया सॉस और विनेगर वगैरह डालूंगी, और सॉस भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ कि एक साथ सही फ्लेवर आ जाता है, फिर बाद में हम डालें चाहे ना डालें। तो इसी समय जब मैं नूडल्स को फ्राई करती हूँ ना, तभी मैं सॉस भी इसमें डाल देती हूँ। तो बस फिर चाउमीन बनानी तो आजकल सभी को आती है, बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। और ऊपर से जो ये लॉकडाउन था ना, तो सारे ही लोग जो हैं अब शेफ़ हो चुके हैं, तो वही है यूट्यूब जिंदाबाद हो गया है, सबको देख देख के ना सब सीख गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी भी बात है कि अपना शौक होना चाहिए, सीखने की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो बस सीख लो आराम से, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए सॉस मैंने उसमें डाला है, फिर भी बच्चे यहाँ पर दोबारा सॉस डालते हैं, पता नहीं कितना सॉस पसंद करते हैं ये। तो बस अभी मैं चाउमीन नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आटा पलटना है, तो ड्रम ये सूख चुका है, इसे मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के और ये जो आटे की थैलियाँ हैं वो मैं इसमें पलट दूंगी। और ये देखिए मुझे पसीना कितना आया हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो बस इस तरीके से मैंने आटा भी यहाँ पर पलट दिया है, और जो पुराना आटा है मतलब जो पहले का आटा है वो मैं ऊपर से इसमें डालूंगी, और जो नया है वो मैं नीचे ही रखूंगी। तो बस यही है मेरा इवनिंग तक का रूटीन। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे जितने भी लोग आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिए। बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे जब अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैं किसी को भी अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।